Hello students, welcome to our channel. Today we are talking about salts. So what are salts? What are the types of salts? Here we see acidic salt. Acidic salts hote hain? Acidic salts kab hote hain? An acidic salt is a form by the neutralization reaction. Neutralization reaction kya hoti hai? Jab aap strong acid ko weak base se react karwate ho. Right? एसिड को बेस से रिएक्ट करने पर न्यूट्रलाइजेशन बनती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट बनते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी. राइट, द पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7. 7 से लेस होता है, आपको पता होगा पीएच जो वैल्यूज होती हैं, यहाँ 7 होता है. 7 से नीचे हमारे पास क्या होते हैं? एसिड्स. 7 से ऊपर क्या होते हैं हमारे पास? बेसिस. राइट, ठीक है. नाउ हियर व्हाट आर बेसिक सॉल्ट्स? What are basic salts? Here, it is formed by neutralization reaction between a weak acid and a strong base. Weak acid को strong base से जब connect किया जाए, right? जब उनको मिलाया जाए, तो मिलने पर एक salt बनेगा. But अगर strong base होगा, base कैसा है? Strong base, like NaOH, right? KOH, और weak acid है, कोई भी acid हो सकता है, ठीक है? तो हम कहेंगे, जो salt बनेगा, वो कैसा बनेगा? Basic salt बनेगा, right? Now here, the pH of an aqueous solution of a basic salt, अगर हम इनका pH find out करें, so it is greater than 7, 7 से ज़्यादा होगा. Now, we have some neutral salts also. What are neutral salt? Neutral salt, it is formed by the neutralization of strong acid by a strong base. Strong acid, अगर किससे react करता है? Strong base से. Do you know the pH of neutral? न्यूट्रल कब होगा सॉल्यूशन? जब उसका पीएच कितना होगा? 7. तो आप कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होगा? 7 होगा. नाउ व्हाट इज रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट डिपॉजिट ऑफ अ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे सॉल्ट के डिपॉजिट्स मिलते हैं वर्ल्ड के अंदर. ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, ये अधिकतर ब्राउन कलर के होते हैं. क्यों होते हैं ब्राउन कलर के? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी होती है, और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं. राइट, नाउ हियर लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस. राइट, ये बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था. इसमें देखो, ये आपके केस स्टेड केस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हियर व्हाट वी सी, वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी पेस्टिसाइड. आप क्या कर रहे हो यहाँ से? देखो, जितना भी यहाँ पर वाटर है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, और यहाँ से आप क्या कहते हैं, H2 गैस क्या होगी? अलग हो जाएगी, और ब्राइन कंटेनिंग जो NaOH होगा वो अलग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से डिकम्पोजिशन होगी. तो NaCl लिया, NaCl और वाटर के साथ क्या किया, उसको मिक्स कर दिया. NaCl को वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे, व्हाट वी गेट हियर? NaOH, एंड देन क्लोरीन अलग हो जाता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो अलग से हो जाती है. ठीक है, अलग हो जाती है. तो हियर वी सी नाउ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं? बेकिंग सोडा क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं? सो फर्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड. क्लोरीन कब प्रोड्यूस होती है? ये जो क्लोरीन है वो कब बनती है? जब एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, NaCl का क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइसिस. राइट, सो हियर नेक्स्ट इज क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राई स्लेक लाइम. राइट, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे हम? लिसन वेरी केयरफुली, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे. किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्लेक लाइम. इसका नेम क्या होता है? स्लेक लाइम. राइट, नाउ CaOH होल ट्वाइस स्लेक लाइम प्लस क्लोरीन, इट विल गिव यू CaOCl2. CaOCl2 ऑक्सीजन साथ में जाएगा, और साथ में एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन थी हमारे पास, एक सेपरेट हो गई और H2 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा. राइट, सो दिस CaOCl2 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. राइट, नाउ व्हाट आर द यूजेस? Here, for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in a paper factories, and for bleaching washed cloth in the laundry. For these all purposes, we use bleaching powder.
इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, राइट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, राइट, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी को जर्म्स से हटाने के लिए, ठीक है, ताकि पानी पीने लायक हो जाए. तो इसके लिए भी किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं. नेक्स्ट, हियर वी टॉक अबाउट बेकिंग सोडा. देखो ब्लीचिंग पाउडर तो हमने कहा कि अगर आप क्या करेंगे, स्लेक लाइम को ऐड करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला याद रख लो इसका, CaOCl2. नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेकिंग सोडा, सो हाउ टू प्रिपेयर इट. बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन, मेनली किचन में यूज होता है क्रिस्पी पकौड़ाज के लिए, है ना. समटाइम इट इज़ एडेड टू फास्टर कुकिंग, जल्दी जल्दी खाना अगर कुछ प्रोसेस है उसको जल्दी करना है, तो फॉर दैट ऑल्सो यूज बेकिंग सोडा. इन दिस द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. फॉर्मूला क्या बनता है इसका, NaHCO3. वट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, NaHCO3. इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट. So here, let's see the reaction here. NaCl, right, plus H2O plus CO2 plus ammonia. So here, what we produce? NH4Cl plus NaHCO3. This is what? Baking soda, right? Here, on heating baking soda, we get washing soda. अगर इसी को आप हीट करोगे NaHCO3 को, तो आप क्या करेंगे, Na2CO3 अलग हो जाएगा, वाटर अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, राइट. Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. तो लर्न दिस वैल्यूज. सबसे पहले आपने याद रखा था CaOCl2, किसका फॉर्मूला था ये, याद करके बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है. NaHCO3 ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, बेकिंग सोडा का, और साथ में हम कह रहे हैं Na2CO3. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, किसका, वॉशिंग सोडा, राइट. नाउ हियर नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वॉशिंग सोडा. हियर वी से द केमिकल फॉर्मूला दैट इज Na2CO3, अभी हमने प्रिपेयर किया था बाई हीटिंग इट, बट विद दैट वी टेक 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ऑल्सो, उसके साथ हम 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसके, H2O के, राइट. इन दिस केमिकल नेम दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वो क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हेयर NaHCO3 गिव्स हीट, एंड देन वेन वी हीट इट, इट विल गिव यू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाते हैं. Na2CO3 को दोबारा से क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, और आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है किसका, वॉशिंग सोडा का. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. हियर सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, ग्लास को बनाने के लिए. नाउ सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, जो भी पेपर, टिश्यू पेपर होता है या सिंपल पेपर होता है, उसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है, सॉप को बनाने में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के काम आता है. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, यूज करते हैं ना हार्पिक एंड ऑल दीज थिंग्स विच टू क्लीन द सर्फेस ऑफ एनी मटीरियल को, कोई भी मटीरियल उसको क्लीन करने के लिए वी यूज दिस, राइट. सो हियर इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है, राइट. नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, 5H2 पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं. जिप्सम में कितने होते हैं, CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2, राइट. हेयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इफ यू टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बर्नर, देन हीट इट, एज यू हीट व्हाट यू ऑब्जर्व, दिस वाटर ड्रॉपलेट सबमिटेड हेयर इन द सर्फेस ऑफ द ट्यूब, वी हीट द क्रिस्टल, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, और जो सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है. सो नाउ हेयर इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल, दोबारा से अगर आप क्या करेंगे उसके अंदर पानी डालेंगे, अगेन इट विल रीअपियर, राइट, ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स. अगेन आई एम टेलिंग इट हियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग
व्हाट? ब्लू कलर क्रिस्टल्स, राइट? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए, जैसे आप उसको क्या करोगे, बॉयल करो, थोड़ा सा हीट करोगे, तो वाटर ड्रॉपलेट दैट सबमिटेड हेयर ऑन द सर्फेस एंड हेयर वाटर कह सकते हो आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है? तो ये व्हाइट कलर का होगा, बट एज यू पोर दिस वाटर और यू मॉइस्चन इट अगेन, इट विल रीअपियर विद द सेम कलर, राइट? नाउ हेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्लास्टर ऑफ पैरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल. जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लूज कर देता है एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट. तो CaSO4 हाफ ऑफ H2O बन जाता है, हाफ ऑफ H2O, ठीक है? हाफ ऑफ H2O मतलब ये हाइड्रेशन हाइड्रेट के लिए होता है और हैमी का मतलब होता है आधा, तो इट इज हाफ ऑफ H2O, राइट? नाउ हियर बेसिकली टू कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स आर शेयरिंग वन H2O मॉलिक्यूल एंड हेंस इट इज CaSO4 हाफ ऑफ H2O, राइट? हियर इन दिस इट इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम. आप क्या कहते हैं कि जैसे इसको क्या करते हैं, पानी से मिक्स करते हैं, तो ये क्या कर लेता है, चेंज हो जाता है किसमें, जिप्सम में, राइट? एक हार्ड सॉलिड मास. नाउ इन दिस कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस ऑफ H2O. अभी हमने किया था ना रिएक्शन, जैसे आपने क्या किया, इसको हीट किया, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हाफ ऑफ H2O सेपरेट हो जाएगा और H2O जो होगा वो अलग हो जाएगा. Now, can you see this? That we have twice of CaSO4. In this, we have H2, right? So, this form plaster of Paris. अब आप देख रहे हैं, हमारे पास क्या था? जितना भी value थी, वो क्या है? Plaster of Paris है. और water क्या हो गया? यहाँ पर separate हो गया, ठीक है? Now, this CaSO4, half of H2O, when again it react with the 1.5 of H2O, then it forms CaSO4. ट्वाइस ऑफ H2O मीन्स टोटल जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डबल हो जाएंगे. तो यहाँ पर हम कहेंगे द नेम इज प्लास्टर ऑफ पैरिस, राइट? नाउ व्हाट आर द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, क्या यूज होते हैं इनके? इट इज यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन. आप देखते हैं कि पैर है, उसको क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है ताकि वो राइट पोजिशन पर आ जाए. फॉर दैट कि वो सपोर्ट बना रहे, हम प्लास्टर करते हैं. क्या करते हैं? प्लास्टर. इट इज यूज फॉर मेकिंग ट्वाइस, बिल्कुल. It is used for material for decoration, right? It is used for making surface smooth. किसी भी surface को smooth करने के लिए. Now here, we will talk on this board questions later. Okay, so till then, you just clear this topic. Thank you. Bye-bye.